हेलो गाइस, और कैसे हैं आप लोग। तो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल से पीटर पार्कर को सभी लोग भूल चुके हैं, और इसीलिए अब उसके पास आयरन स्पाइडर सूट भी नहीं है, जबकि स्पाइडरमैन का ये सूट अभी भी एमसीयू में एक्टिव है। तो क्या हमें स्पाइडरमैन की आने वाली मूवीज के अंदर फिर से आयरन स्पाइडर सूट दिखाई दे सकता है या फिर नहीं, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल से पहले और बाद में स्पाइडरमैन ने अपने गोल्डन और रेड कलर के सूट को पहन रखा था, जो कि उसने मूवी की लास्ट बैटल में यूज किया। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल से सभी की मेमोरी से पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को इरेज कर देते हैं, तो तब भी स्पाइडरमैन ने अपने गोल्डन और रेड कलर के सूट को पहन रखा था, यानी कि पीटर पार्कर के पास अभी भी ये सूट अवेलेबल है। और अब रही बात आयरन स्पाइडर सूट की, तो सब लोग ये बात जानते हैं कि टोनी स्टार्क ने ये सूट स्पाइडरमैन को दिया था, जो कि उसने इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और फार फ्रॉम होम में यूज किया। और ये सूट लास्ट टाइम हमें स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर दिखाई दिया था, लेकिन अभी ये सूट एमसीयू में एक्टिव है और आंट मे के घर पर रखा है। तो पीटर इस सूट को आंट मे के घर से ला सकता है, ताकि ये सूट किसी और के हाथों में ना लग जाए। और अगर ये सूट हैप्पी या फिर कोई और आंट मे के घर से ले गया होगा, तो फिर भी अगर इस सूट की जरूरत पीटर पार्कर को पड़ती है, तो पीटर स्पाइडरमैन बनकर ये सूट वापस ला सकता है, क्योंकि सब लोग ये बात जानते हैं कि टोनी स्टार्क ने ये सूट स्पाइडरमैन को दिया था। एंड अगर स्पाइडरमैन इस सूट को वापस मांगेगा, तो वो लोग स्पाइडरमैन को ये सूट दे देंगे, क्योंकि स्पाइडरमैन का ये सूट काफी ज्यादा पावरफुल है, एंड इसीलिए स्पाइडरमैन को इस सूट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर भी पीटर के पास उसका गोल्डन एंड रेड कलर का सूट तो है ही, जो कि हमने लास्ट टाइम भी उसके पास देखा था। भले ही स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में पीटर ने अपने लिए खुद नया सूट बनाया हो, लेकिन अभी भी पीटर के पास अपना पुराना सूट भी अवेलेबल है, जो कि वो अपने आने वाली मूवीज के अंदर यूज कर सकता है। लेकिन क्या आप लोग आयरन स्पाइडर सूट को वापस देखना चाहते हो या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।